हेलो एंड वेलकम दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ मेरे अपने चैनल पे जिसका नाम है आरके सी हेलो एंड गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग टू ऑल वेरी गुड इवनिंग एक सेकेंड यस गुड इवनिंग गुड इवनिंग जल्दी से बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ऑडियो वीडियो सब क्लियर है गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग अरुण संध्या सिंह एजुकेशन रवि रंजन जूही पांडे स्मारक आ, सारिका चिरंजीव अंकिता गुड इवनिंग टू ऑल गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग क्लियर है बिल्कुल यस yes. हम्म hmm. थोड़ा सा स्ट्रीमिंग में इशू हो रहा था इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया चलिए भाई सभी को गुड इवनिंग इशू अनु गुड इवनिंग यस yes. हम्म hmm. आपका क्लास स्टैंड करना अच्छा ओके अंकिता आप वेट कर रहे हो यही समझ में आया ओके अविनाश गुड इवनिंग गुड इवनिंग चिरंजीव गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल इज वेल चलिए भाई बहुत बहुत बढ़िया आते ही आपको सबसे पहले पता है क्या करना है लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है मेरे इस चैनल को जिसका नाम है आर के सी हब आप सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन हिट करेंगे ताकि जब जब मैं घंटी बजाऊं उस घंटी की आवाज आप तक पहुंच जाए ठीक चलिए ओके अनु चलिए बेटा टेक केयर गेट विल सून गुड इवनिंग आ, शाहिद नहीं शेख Uh, शशिकांत को तो बोली दिया गुड इवनिंग पूजा सोलंकी सुमन सहरावत सुधांशु कुमार हर्ष आसमा राजू गुड इवनिंग टू ऑल गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलो भाई जल्दी से वीडियो को क्या कर दो शेयर कर दो फटाफट से आप सब सादर आमंत्रित हैं फर्स्ट ऑफ डिसम्बर को फर्स्ट ऑफ डिसम्बर को इसी यूट्यूब चैनल पे क्योंकि उस दिन मैं अपनी बुक लॉन्च कर रही हूँ उस दिन मेरे पापा का बर्थडे है और उस दिन मैं अपने पब्लिकेशन हाउस पे अपनी बायोलॉजी की क्लास नोट्स की बुक लॉन्च कर रही हूँ जो आपके सारे वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगी आप उस बुक को कैसे परचेज कर सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको उसी दिन दूंगी

आज मेरा क्लास लेने का मकसद क्या है आप लोगों को बताने का रीजन क्या है वो पहले मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा ठीक है बीपीएससी एग्जाम अभी अपकमिंग जो है अभी अपकमिंग जो एग्जाम्स आने वाले हैं आपके उसमें आप देख रहे हैं फिफ्थ ऑफ डिसंबर को यूपीपीसी का आर एंड एआरओ का एग्जाम आने वाला है तेईस जनवरी 2022 को उस दिन बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है अब बीपीएससी प्रीलिम्स में मैं थोड़ा सा यहाँ पर जोर डालना चाह रही हूँ और अभी से मैं पूरी आपको तैयारी करवाने वाली हूँ साइंस की बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ठीक पहली बात तो ये कि जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है बीपीएससी प्रीलिम्स का वो यहाँ पर मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ आपको मेरे चैनल पे आना है और आपको उस दिन स्वीट कैसे दे दूंगी अनु यहां से ऑनलाइन है ना तो उस दिन आपको आना है मेरे चैनल पे रोज और यहां पर आके आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं टारगेट क्या रहेगा हमारा टारगेट रहेगा बीपीएससी और जितने भी आपके स्टेट पीसीएस हैं टारगेट उन सब का रहेगा लेकिन मैं आपको पूरा का पूरा साइंस इस तरह से कराऊंगी कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपका टारगेट पीसीएस एग्जाम है कोई भी पीसीएस एग्जाम तो आप आराम से उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं ठीक बाकी अगर रही बात आपकी एस एस तो हलवा हो जाएगा रवि रंजन ये सारे एग्जाम्स आपके लिए हलवा हो जाएंगे अगर आपने उस लेवल की साइंस मेरे साथ पढ़ ली तो बाकी सारे एग्जाम्स आप लोगों के लिए हलवा हो जाएंगे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड किया उसमें जो अनाउंसमेंट की गई है बीपीएससी में इस बार छः लाख के लगभग फॉर्म्स जो हैं वो फिल की गई हैं और उसका कारण क्या है उसका रीज़न यही है कि एक तो वैकेंसी ज़्यादा है और दूसरी बात है कि जो भी महिलाएं जो भी फीमेल स्टूडेंट्स जो प्री का एग्जाम क्वालिफाई कर देंगी कर लेंगी सरकार उनको पचास हजार पचास हजार का जो स्कॉलरशिप है वो देगी मेंस की तैयारी के लिए तो जितनी भी लड़कियां चाहे वो किसी भी कास्ट की हों जितनी भी लड़कियां एग्जाम्स देंगी और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगी उनको सरकार पचास हजार का इनाम देंगी मेल्स के लिए क्या है मेल्स के लिए कैटेगरी कैटेगरी जो है थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया है एससी एस और ईबीसी कैटेगरी लिख दिया गया है ठीक है तो इसीलिए जितनी भी लड़कियां हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल आप लोग पूरे जोश में आ जाइए हर साल अभी बीपीएससी बहुत रेगुलर एग्जाम्स कंडक्ट करा रहा है है ना बीपीएससी का अभी बहुत अच्छे से रेगुलर बेसिस पे हर साल एग्जाम्स कंडक्ट हो रहा है बहुत रेगुलर तरीके से अभी आप देख रहे हैं बाकी एग्जाम्स में कितना डिले चल रहा है कितना लेट चल रहा है लेकिन अभी बीपीएससी का क्रेज इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि हर साल जो है बहुत ही ईमानदारी से और हर साल एग्जाम बहुत टाइमली कंडक्ट कराया जा रहा है ठीक है तो ये चीज बहुत अच्छी और इसीलिए बहुत ज्यादा लोग इस एग्जाम की तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो आप में से जो लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं है ना यस yes, अदर स्टेट वाले भी दे सकते हैं खुशबू ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार वाले दे सकते हैं अदर स्टेट वाले भी दे सकते हैं ठीक है तो जितने भी लोग हैं जितने भी लोग आप लोग इस साल दे रहे हो बहुत अच्छा नहीं इस साल फॉर्म भरा है आपने नेक्स्ट ईयर भी देने का प्लान है तब भी आप तब भी आप जो है यहां पर आप उसको प्लीज देखिए इस सेशन को क्वेश्चंस का आपको अंदाजा लगेगा और पीसीएस एग्जाम्स जो लोगों ने ना एक बहुत हाइप क्रिएट करके रखा है कि पीसीएस बहुत मुश्किल है नहीं निकलता मैं उस चीज को थोड़ा सा खत्म करना चाहती हूँ जो एक डर है खत्म करना चाहती हूँ ठीक है दूसरी चीज मैं आपको बता दूं बीपीएससी पी एस डेढ़ सौ क्वेश्चन आते हैं उसमें ठीक है उसमें से अभी जो दो साल से ट्रेंड देखा जा रहा है तीस क्वेश्चन पहले अराउंड बीस क्वेश्चन आते थे पिछले साल से थर्टी क्वेश्चन आपके पूरे साइंस से आते हैं ठीक है पूरे क्वेश्चन थर्टी से आपको थर्टी मेल को बताया ना चिरंजीव मेल को मेल को जो है कैटेगरी वाइज है ठीक है एस सी एस टी और ईबीसी अगर आप इन तीन कैटेगरीज के हैं तो ही आपको फिफ्टी थाउजेंड मिलेगा अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया लेकिन फीमेल्स में ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है जो भी फीमेल्स बीपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगी उन फीमेल्स को फिफ्टी मिलेगा ठीक है चिरंजीव चलिए आइए देखिए यहां पे यहां पर मैं आपको क्या कहना चाह रही हूं कि बीपीएससी में पूछे कितने क्वेश्चन जाते हैं टोटल डेढ़ सौ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन डेढ़ सौ में डेढ़ सौ में तीस क्वेश्चन दो जो थर्टी क्वेश्चन हैं वो सीधे आपके साइंस से आते हैं ठीक है सीधे थर्टी क्वेश्चन आपके साइंस से आते हैं तो अब आप सोच रहे हैं हां जी मनोज बिल्कुल ये कोई सवाल है पूछने वाला जब मैं बी की तैयारी करवा रही हूँ तो सी उसके लिए हलवा है उसके सामने ठीक है कुछ भी नहीं है सी अगर आप पी की साइंस पढ़ लेते हैं तो आपके लिए सी का साइंस हलवा है आपको फिर उसको मतलब कुछ कुछ है ही नहीं उसके सामने ठीक चलिए सो थर्टी क्वेश्चन आपके सीधे साइंस के आ रहे हैं इसके अलावा करेंट अफेयर्स हो गया ठीक बिहार जी के हो गया और आपका हिस्ट्री हो गया पॉलिटी हो गया ये सारी चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं ठीक है ईबीसी है आसमा ओबीसी नहीं है ईबीसी है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए ठीक है वो आप उनकी एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी uh, देख लीजिएगा यस 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 अंकिता इसका थोड़ा सा मुझे डाउट है कि आ, क्या कहते हैं आ, शायद वहां का उसमें ना एक रेजिडेंशियल एड्रेस बिहार का होना चाहिए ठीक है अंकिता उसमें जो एक रेजिडेंशियल एड्रेस है वो बिहार का होना चाहिए ठीक है तो जितने भी पीसीएस वाले हैं जो एसएससी वाले पूछ रहे हैं कल की वीडियो में भी आपको यही बात बताया था कि मैं जब भी आपको तैयारी कराती हूं आप लोगों का एक ही सवाल रहता है अगर मैं ए एग्जाम की तैयारी कराऊंगी तो आप पूछते हैं है, मैम जेड एग्जाम हो जाएगा प्लीज इस बात को समझिए आपका बेसिक हर सब्जेक्ट के लिए हर एग्जाम के लिए बेसिक सेम रहता है हरभजन सिंह एंड मनोज कुमार ठीक है आप सबसे मैं यही बोल रही हूं कि कभी भी अगर आप आपको ये लगता है कि हर का एग्जाम का क्वेश्चन अलग है सिलेबस अलग है तो ऐसा नहीं है सिर्फ लेवल पे फर्क पड़ता है आप साइंस पढ़िए ना पहले अपना बेसिक मजबूत करिए ना ठीक है कभी भी आप ये सोचोगे मैम ये एग्जाम ये एग्जाम ऐसा क्यों सोचते हो कि सिर्फ एस देना है है ना इस मानसिकता से पहले बाहर निकलिए हमेशा कोशिश करिए अपना एक बेस मजबूत बनाने का क्या लाइफ में सिर्फ एस देना है और एग्जाम्स देना ही नहीं है हाँ तो थोड़ा सा अपने आप को उस तरह से आप ढाल के रखिए और जहां पे जब मैं आपको बता रही हूं कि इसका सिलेबस ये है तो साइंस का सिलेबस हर एग्जाम में सेम रहता है हाँ पीसीएस वगैरह में आपको मैं बता रही हूँ क्वेश्चन बहुत आते हैं एस में इतने क्वेश्चन नहीं आते साइंस के है ना तो इस चीज का फर्क होता है कि साइंस में ज्यादा वेटेज आपका मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग ले जाती है जी इन जनरल आता है और उसमें बायो के इक्के दुक्के सवाल आ जाते हैं भूले भटके कभी तीन चार आ गए तो लेकिन पीसीएस एग्जाम में स्पेशली बीपीएससी की मैं बात कर रही हूं अगर मैं बीपीएससी की बात करूं तो डेढ़ सौ क्वेश्चन आते हैं और उसमें से तीस क्वेश्चन पूरे साइंस में रहते हैं और इन तीस में देखो तो पंद्रह से बीस क्वेश्चन बायोलॉजी के रहते हैं और दस से पंद्रह जो बचे वो फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के रहते हैं ठीक है तो हम यहां पर पढ़ेंगे कैसे ठीक है हम यहां पर पढ़ेंगे इस तरह से कि हम पूरा का पूरा साइंस कवर करेंगे बीपीएससी के लिए तो जो भी स्टूडेंट्स यहां पर पढ़ रहे हैं ठीक है ओके डियर देवेश फिर से वही बात आरआरबी ग्रुप डी अरे भाई साइंस पढ़ोगे देवेश जी तो सब एग्जाम के लिए साइंस है ठीक है प्लीज इस बात को समझिए मैं कैसे समझाऊं इतनी वीडियो डालती हूं बट हर वीडियो में सेम मतलब मुझे लगता है सबसे पहले तो इसीलिए पता है सिलेक्शन नहीं होता लोगों का यही रीजन है सिलेक्शन नहीं होने का आप लोग यही सोचते हो कि बस इस एग्जाम में जो चीज आई ना यही दो क्वेश्चन करके जाऊंगा और ऐसे करके एग्जाम में दे दूंगा ठीक है तो प्लीज इस मानसिकता से बाहर निकलिए जब आप इस मानसिकता से बाहर निकलेंगे अपने बेस पर काम करेंगे तो बिल्कुल आप क्या रहेंगे सॉर्टेड रहेंगे लाइफ में जनरल वालों को क्या मिलेगा पास करने पे अंकित पास करने पे आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे ठीक है अंकित कुमार चलिए प्रियंका गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलिए बेसिक ठीक है आपका अच्छी बात है संध्या बहुत अच्छी बात है अगर आपका बेसिक ठीक है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए इजी होगा तो जिन भी स्टूडेंट्स का आपको लगता है आपका साइंस का पकड़ मजबूत है आप बीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं ठीक है बहुत ही एक रिस्पेक्टेबल जॉब है हर साल जो है उसकी वेकेंसी रेगुलर तरीके से आ रही है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरे स्टेट वाले बीपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते ठीक है ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप किसी और स्टेट को बिलोंग करते हैं तो आप बी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम नहीं दे सकते ऐसा नहीं आप में से जो भी लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं एस वगैरह दे रहे हैं है ना कई बार लोग एग्जाम देने के लिए भी देते हैं तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि नो डाउट आप दूसरा एग्जाम भी प्रिपेयर करते हैं बट कभी भी ये मत सोचिए कि हम सिर्फ एक ही एग्जाम देंगे आजकल आप देख रहे हो कि किस तरह का कॉम्पिटिशन चल रहा है और किस तरह से एग्जाम्स आपके डिलेट हो रहे हैं तो हमेशा अपना बेसिक मजबूत करिए और अपनी एक तैयारी से जितने एग्जाम्स आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं आप ग्रेजुएशन जब कर लेते हैं तो आप बहुत सारे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हैं तो मैं आपको यही कहूंगी कि हर तरीके का एग्जाम आप दीजिए क्यों आपने ये सोच लिया है कि सिर्फ एस देना है अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो सी के साथ आप पी भी देकर देखिए है ना आपको कम से कम अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो ये तो पता चलेगा कि आप कहाँ पर लैक कर रहे हैं मेरा ये कहना है ठीक मेरी सोच ऐसी है बाकी आगे, आगे आपकी मर्जी है ठीक है क्लियर है यह बात ओके चलिए आगे मैं चलू, मैं बताऊं तो, सोचा क्या है मैंने तो क्वेश्चंस जो है अलग अलग पीसीएस के मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी और जो भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी वाले हैं ठीक है एसएससी वाले हैं ग्रुप डी वाले हैं बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं साइंस सब जगह सेम आती है साइंस सब जगह सेम आती है ठीक है बिल्कुल इस चीज को ध्यान रखेंगे कि हर जगह साइंस सेम आती है और अभी मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूं पीसीएस का ठीक है नहीं नहीं ऐसा नहीं है सोनू ठीक है अभी मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूं बाकी वाले भी एलिजिबल हैं सोनू ऐसा नहीं है ठीक है चलिए अभी मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूं अभी मैं आपको सवाल करा रही हूं आप खुद देख लेना कि क्या ऐसा क्वेश्चन एस वाले बच्चे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो सबसे पहले इस मानसिकता से बाहर निकलिए कि भाई हम एस वाले हैं हम पीसीएस एग्जाम नहीं देंगे क्यों भाई अगर आपको अच्छे पोस्ट के लिए एग्जाम देने को मिल रहा है तो देखे तो देखिए एग्जाम एक, एक बार क्वालिफाई करके तो देखो नहीं होगा नहीं होगा देखी जाएगी ठीक है क्लियर आगे चले हम लोग अवधेश गुड इवनिंग गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग चलिए भाई स्टार्ट करें तो यहाँ पे सात बजे का जो मैं सेशन लेने वाली हूँ आप लोगों के लिए वो कंप्लीट अब साइंस का लेने वाली हूँ और आपके बहुत सारे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए लेने वाली हूँ तेईस जनवरी का बीपीएससी का अभी तक मैं बायो पढ़ाती आई थी है ना अभी तक आपको और और जो जितने भी आपके जितने भी आपके बीपीएससी के क्वेश्चंस आए थे वो सीधे मेरे नोट से आए थे तो इस बार भी मैं कर रही हूं मेरे साथ आप लोग जितने भी अभी दिन हैं अभी पूरे डेढ़ महीने हैं हमारे पास तेईस जनवरी को एग्जाम है है ना डेढ़ महीने के आसपास है दो महीना है इनफैक्ट तो बिल्कुल आप साइंस क्लियर करिए यहां से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बस शाम में आना है और पढ़ाई करनी है और क्वेश्चन सोल्व करने हैं एनसीआर का टाइम अब मैं सोच रही हूँ मैं मॉर्निंग में शिफ्ट कर दूं ताकि शाम का टाइम मैं इस चीज़ के लिए रखूंगी और बाकी ऐसे एनसीईआरटी से भी हम लोग जो है वो साइंस ही पढ़ते हैं शुरू कर रही हूं मैं आज की क्लास और किस तरह से पढ़ेंगे कैसी रणनीति के साथ पढ़ेंगे ये आप समझ जाएंगे चलिए आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने है और ये बीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है ठीक है बीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है ठीक है अब आप इन क्वेश्चन को देखिए बीपीएससी में पांच ऑप्शन आते हैं एग्जाम SI है जहां पे पांच विकल्प आते हैं बीपीएससी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते yes, क्वेश्चन है इसका आंसर सब कर सकते हैं तभी मैं कह रही हूं कि कभी मत सोचिए कि हम सिर्फ एस वाले हैं सिर्फ एस का एग्जाम देंगे नहीं अपना बेस मजबूत बनाइए आप जितने एग्जाम्स दे सकते हैं प्लीज वो एग्जाम्स दीजिए ठीक क्या होगा क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर हम्म किसका पीएच वैल्यू सेवन है किसका पीएच वैल्यू सेवन है ए बी सी डी ई पांच विकल्प हैं आपके सामने मैं अभी आपको इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन करा के एसिड एंड बेसिस के वाले के बारे पॉइंट्स बताने वाली हूं ए और बी में ही सब जवाब देंगे ये कोई ई e ऑप्शन नहीं देख रहा क्या ए और पी भी जवाब देंगे सात पीएच किसकी होती है सात पीएच वैल्यू किसकी होती है भाई अरे पीएच वैल्यू पीएच स्केल जो देते देखते हो पावर ऑफ हाइड्रोजन और भी है बस सुमन सहरावत का आंसर सही आया है आशीष कुमार का आंसर सही आया है बाकी सब गलत बोल रहे हैं प्योर वाटर का भी पीएच सेवन होता है न्यूट्रल सोल्यूशन जो उदासीन विलयन है उसका भी पीएच एच सेवन होता है चिरंजीव का भी आंसर सही है ठीक है अंकिता का भी आंसर अब सही आया अंसारी सही तो क्या होगा दो ऑप्शन हुआ है या तो नन ऑफ दब या मोर देन वन ऑफ द अब मोर देन वन ऑफ तो आप क्या आंसर मार्क करेंगे यस एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक ठीक है ओके तो इसीलिए ऐसे सवाल आते हैं क्या यह सवाल मुश्किल है कहीं से भी ये चीजें क्या हमने टेंथ लेवल पे नहीं पढ़ रखी बीपीएससी का आप सिलेबस देखिए ठीक है इनफैक्ट उस फॉर दैट मैटर आप किसी भी स्टेट पीसीएस का सिलेबस देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वहां पर आपको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको मेडिकल लेवल की नॉलेज हो या इंजीनियरिंग लेवल की नॉलेज हो कोई उस, उस लेवल की फिजिक्स आपसे नहीं पूछेगा कोई मेडिकल लेवल की बायोलॉजी आपसे नहीं पूछेगा वो आपसे ऐसी चीजें पूछते हैं जो एक एजुकेटेड इंसान को आनी चाहिए ठीक है पुरुषोत्तम ध्यान नहीं दोगे तो ऐसे ही हाथ से सिलेक्शन निकल जाएगा यहाँ पे तो लिख दोगे ध्यान ही नहीं दिया और वहां पर एग्जाम में क्या करोगे सिलेक्शन निकल जाएगा हाथ से आपकी सरकारी नौकरी निकल जाएगी ठीक है तो सबसे पहली बात एक चीज ध्यान रखेंगे कि कभी भी कभी भी आपसे हाई फाइव क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपको टेंथ तक की साइंस अच्छे से आनी चाहिए और कुछ रोजमर्रा की चीजें आनी चाहिए ये पीसीएस एग्जाम कोई भी आप पीसीएस किसी भी पीसीएस दो चाहे एमपी पीसीएस दो यूपी पीसीएस दो बीपीएससी दो कोई भी पीसीएस दो उसका सिलेबस अगर आप देखेंगे तो सिलेबस यही कहता है कि एवरीडे साइंस चीजें आपसे पूछते हैं तो साइंस तो मुश्किल है ही नहीं सबसे पहले इस चीज को अपने मन से निकाल दीजिए और जिस तरह से आजकल रुझान जा रहा है साइंस की तरफ रुझान बढ़ रहा है आपको इसको देखने आपको इसको देखना बहुत जरूरी है लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा मौका है सोनू बिल्कुल बिल्कुल लड़कियों को तो लग जाना चाहिए अब आप, क्योंकि आपने प्रीलिम्स प्रसालीफाई किया आपको पचास हजार सरकार दे रही है है ना बहुत अच्छी बात है चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पे, अब मैं आपको एसिड एंड बेसिस में कैसे सवाल आए हैं इसके बारे में बताऊंगी चलिए भाई ये आपको क्या नजर आ रहा है यस yes, ये आपको यस yes, आशीष में पूरा सिलेबस आपको कराऊंगी पूरा सिलेबस ऐसे ही इसी फॉर्म में आपको पूरा कराऊंगी ठीक है चलिए देखिए यहां पे ये आपको क्या नजर आ रहा है ये एक पीएच स्केल नजर आ रहा है है ना पीएच स्केल पावर ऑफ हाइड्रोजन है ना पीएच अगर सात होता है तो वैसा सल्यूशन या वैसा विलयन क्या कहलाता है न्यूट्रल कहलाता है यानी उदासीन कहलाता है पीएच अगर सेवन से कम हो अगर पीएच सेवन से कम है तो वो क्या कहलाएगा तो वो कहलाएगा एसिडिक क्या कहलाएगा एसिडिक अरे सोनू जनरल कैटेगरी के हो तो क्या फर्क पड़ता है अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तभी तो मेंस दोगे ना ठीक है तो एसिडिक यानी कि छार और एल्कोलाइन यानी सात से ऊपर पीएच होता है सॉरी इसको अम्ल कहते हैं देखो हिंदी थोड़ी थोड़ी कभी कभी ना दिक्कत हो जाती है इसको हम अम्ल कहते हैं और सात से ऊपर तो हम कहते हैं यह एक बेस है कि है ठीक है तो सात जो है जो है से अगर पीएच कम होता है तो कोई भी चीज कहलाती है कि वो एसिड है यानी कि अम्ल है सात से ज्यादा है तो बेस है यानी कि वो एल्कोलाइन है आप विश्वास करेंगे एम पी का जो पीसीएस एग्जाम है एग्जाम है ना एमपी जो स्टेट है मध्य प्रदेश उसका जो पीसीएस एग्जाम है उसमें ये सवाल पूछा गया है कि पीएच स्केल क्या क्या पूछता है आपसे या पीएच स्केल आपसे क्या दर्शाया पीएच स्केल क्या दर्शाता है तो पीएच स्केल हमें ये दर्शाता है कि जो भी सॉल्यूशन है क्या वो एसिडिक है या क्या वो बेस है क्या वो अम्ल है क्या वो क्षार है ठीक सिंपल तो तभी मैं कह रही हूं अपने बेसिक्स पे काम करिए अपने बेसिक्स पे काम करिए बार बार ये चीज रटती शुरू से आई हूं और अभी भी यही रट रही हूं ठीक है कि अपने बेसिक्स पे काम करिए चलिए ठीक है ये बात समझ में आ गई अब अब और क्या क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं एक तो मैंने आपको एम का सवाल बता दिया कि पीएच स्केल से आप क्या देखते हैं तो आप देखते हैं कि कोई सोल्यूशन कोई विलयन एसिडिक है या बेसिक है अमलीय है या उसमें छार वाले गुण मौजूद हैं ठीक चलिए और देखते हैं और क्या चीजें आती हैं अब आपसे बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है कि कौन कौन से कौन कौन से एसिड हैं कौन कौन से एसिड मौजूद हैं जैसे कि है? रेलवे में भी पूछे जाते हैं अंकित अब उस पर तो क्या बोलूं अब सरकार का ये है और इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही यही है कि जो प्रेफरेंस है वो मिलती है तो आप कुछ नहीं कर सकते उसका आपके हाथ में आपकी मेहनत है वो आप कर सकते हैं है ना अंकित चलिए एप्पल में कौन सा एसिड मौजूद है कौन सा अम्ल मौजूद है ये SSC वाले क्वेश्चंस रेलवे भी पूछा जाता है ठीक है ठीके? क्या रिपीट करूं चिरंजीव अरे यार तीन चार बार रिपीट करती हूं फिर भी आप लोग लिखते हो रिपीट 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 मेरे जितना रिपीट तो कोई टीचर करता ही नहीं एक क्वेश्चन को मैं एक पॉइंट को मैं तीन चार बार रिपीट करती हूं चलिए एप्पल में कौन सा एसिड होता है जल्दी जल्दी से बताएंगे आपके लाइक्स आते रहने चाहिए आपके लाइक्स आते रहने चाहिए फटाफट से और शेयर करते रहो वीडियो को वीडियो को शेयर करते रहो अरे एप्पल में कौन सा एसिड होता है तो अनु लिख रही है आमलो मैं वही तो पूछ रही हूं कौन सा एसिड होता है एप्पल में कौन सा एसिड होता है कौन सा एसिड होता है यस पुरुषोत्तम वेरी गुड मैलिक एसिड एप्पल में मौजूद होता है मैलिक एसिड यानी कि मैलिक अम्ल वेरी गुड 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 ठीक है ओके okay. और क्या पूछा जाता है और किसमें किस तरह का एसिड है इमली में कौन सा एसिड मौजूद है इमली इमली में कौन सा एसिड मौजूद है एसिड ठीक है चैप्टर वाइज भी मैं आपको बताती जा रही हूं अभी एसिड मैंने चैप्टर लिया है अभी एसिड से कितने तरह के एसिड है कहां, कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं सब बता रही हूं यस yes. बिहार ही देना है सोनू तो दे दो अच्छी बात है पहले पढ़ तो लो इमली में कौन सा एसिड होता है फटाफट से बताते जाएंगे good, में जो होता है, उसका नाम है टार्टरिक गुड वेरी वेरी गुड हम्म टमेटो में कौन सा एसिड होता है टमेटो में कौन सा एसिड होता है तो टमेटो में होता है आपका ऑक्जैलिक एसिड ऑक्जैलिक एसिड ठीक है ऑक्जैलिक एसिड आपका टमाटर के अंदर पाया जाता है ठीक है जब आपको चीटी काटती है चीटी काटती है तो इतना तेज दर्द क्यों होता है कौन सा एसिड चीटी रिलीज करती है चीटी काटती है एंट बाइट चीटी के काटने से एंट बाइट चीटी के काटने से कौन सा एसिड रिलीज होता है चलिए यस yes, ये सवाल एस में भी आता है पीसीएस वगैरह में भी पूछा जाता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा एसिड है चीटी के काटने से कौन सा एसिड रिलीज होता है फॉर्मिक 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 एसिड। 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 वेरी गुड। ठीक है। एक प्लांट होता है एक प्लांट होता है जिसको नेटल प्लांट कहते हैं ठीक है एक प्लांट होता है जिसको हम नेटल कहते हैं और ये प्लांट भी है ना ठीक है इस प्लांट ये जो पौधा है ये भी जब आपको क्या होता है जब आपको इससे चोट लगता है या पौधा आपके आसपास रहता है तो भी आपको बहुत तेज ऐसा लगता है कि किसी चीटी ने काट लिया क्योंकि उस समय यहाँ भी यहाँ भी फॉर्मिक एसिड ही रिलीज होता है फॉर्मिक एसिड भी रिलीज होता है ठीक है क्लियर है ये बात तो कौन सा चीज कौन सा एसिड रिलीज करता है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछा जाता है ठीक है और हर एग्जाम में पूछा जाता है तो एसिड का एक हमने ये वाला पार्ट किया अब आप देखिए इस टेबल पे सब लिखा हुआ है दूध में लैक्टिक एसिड होता है है कि नहीं दूध में लैक्टिक अम्ल होता है लैक्टिक एसिड होता है सही टमाटर में और स्पिनच यानी कि साग में ऑग्जालिक एसिड होता है जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं उनमें सिट्रिक अम्ल होता है एप्पल में मैलिक एसिड होता है ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड होता है ठीक है बिच्छू बूटी कहते हैं नेटल प्लांट को हिंदी में बिच्छू बूटी कहते हैं उसमें भी फॉर्मिक एसिड होता है विनेगर में एसिटिक एसिड होता है ठीक है आमला में एस्कॉर्बिक एसिड होता है ठीक है सारे सवाल बनते हैं आपके सारे सवाल बनते हैं तो हम अब पढ़ेंगे कैसे अब मैं आपको बता रही हूं कि मैं पढ़ूंगी किस तरह से देखो कैसे पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरा का पूरा टॉपिक खत्म करने की कोशिश करेंगे जैसे अभी जो टॉपिक आपने देखा उसमें आपको एसिड एंड बेसिस दिखा तो मैं कोशिश करूंगी कि अब एसिड एंड बेसिस से आपको जितने सवाल पीसीएस वगैरह में पूछे जा चुके हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करके करती चलूं ठीक है तो आपने देखा होगा कि इस फॉर्म में भी क्वेश्चंस आते हैं आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आरकेसी ईडू हब पे र के सी ईडियो हब ऐप आप, आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से प्ले स्टोर से आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे और आपको इसकी पी डी एफ मिल जाएगी ठीक है ओके समझ में आ रही है बात तो ये सारे सवाल हैं जो आपसे आते हैं ये ध्यान रखना बिच्छू बूटी में भी फॉर्मिक अम्ल होता है आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले नेक्स्ट क्वेश्चन चले पालक लिखा तो हुआ है ऑग्जेलिक एसिड चलो अब एसिड्स इन ह्यूमन बॉडी एसिड्स इन ह्यूमन बॉडी मानव शरीर में कौन कौन से एसिड होते हैं मानव शरीर में कौन कौन से एसिड होते हैं यस yes. यस <coughs> yes. hmm. चलो जल्दी जल्दी से आंसर करो एक तो आप सबको पता है कि आपके स्टमक में आपके स्टमक में आपके अमाशय में कौन सा एसिड होता है आपके अमाशय में कौन सा एसिड होता है तो आपके अमाशय में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है कि नहीं ठीक है चलिए अरे हिंदी तो बोल रही हूं हर भजन कुछ भी लिखते हो अब इससे हिंदी क्या लिखू मैं यस yes, गॉडलीनेस रोज होगी क्लासेस क्लासेस आपकी रोज होगी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ क्या आपके शरीर में फैट है क्या आपके शरीर में वसा है है ना फैट खाते हो वसा खाते हो आपको मैंने बताया है फैट दो चीजों का बना होता है फैट जो है वो दो चीजों का बना होता है फैटी एसिड फैटी एसिड और साथ में ग्लिसरॉल आपको मैंने बताया है कि फैट दो चीजों का बना है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ठीक है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल सहमत हो सब मेरी बात से पढ़ा चुकी हूं ये बात आपको फैटी एसिड कितने तरीके के हो सकते हैं फैटी एसिड दो तरीके के हो सकते हैं संतृप्त संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड और अनसेचुरेटेड और अनसेचूरेटेड फैटी एसिड जिसको हम क्या कहते हैं जिनको हम कहते हैं असंतृप्त असंतृप्त क्या फर्क है संतृप्त और असंतृप्त पैटी एसिड में क्या फर्क है इन दोनों में यस yes, जो भी सैचुरेटेड पैटी एसिड होते हैं जो भी संतृप्त होते हैं उनमें कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है है ना उनके उनमें कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है लेकिन अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड हो सकता है डबल बॉन्ड हो सकता है ठीक है ना और कौन सा एसिड होता है मानव शरीर के अंदर बहुत बढ़िया अवधेश लिखा था चलि संध्या ने लिखा है संध्या ने लिखा है है ना संध्या ने लिखा है आप प्रोटीन खाते हो प्रोटीन किसके बने होते हैं प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड के यानी कि अमीनो अम्ल के अमीनो अम्ल के बने होते हैं ठीक है थीके? राइट चौथी चीज चौथी चीज कौन सी है क्या आपके शरीर में डीएनए और आरएनए है यस yes. क्या आपके शरीर में डीएनए और आरएनए है बिल्कुल है ठीक है तो डीएनए एंड आरएनए में न्यूक्लिक एसिड होता है यानी कि न्यूक्लिक अम्ल होता है ठीक है न्यूक्लिक एसिड होता है न्यूक्लिक अम्ल होता है न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक अम्ल है ना आपके शरीर के अंदर न्यूक्लिक अम्ल होते हैं गुड वेरी गुड तो ये सारे एसिड हैं आपके मानव शरीर के अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर ये सारे एसिड हैं ठीक है क्लियर है ये वाली बात लाइक आते रहने चाहिए वीडियो को शेयर करते रहोगे वीडियो को शेयर करते रहोगे सारे एग्जाम्स के लिए ये क्लास अगर आपने यहां से साइंस पढ़ लिया तो एवरीथिंग इज डन सब कुछ आपके लिए बहुत 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 ईजी हो जाएगा और बीपीएससी वालों के लिए तो अब हलवा हो जाएगा साइंस चलिए आगे चले हम लोग यस आर एन एंड डी एन ए दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं दो तरह के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं बिल्कुल सही राजेंद्र ठीक है आ जाओ कैसे हम देखते हैं इंडिकेटर क्या होता है एसिड बेस इंडिकेटर यानी कि जो बताता है हमें कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है ठीक लिथमस के, के बारे आप सबने सुना होगा लिथमस के बारे आप सबने सुना होगा ठीक है तो कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो प्राकृतिक हैं जो क्या है जो प्राकृतिक हैं, जैसे कि लिथमस लिथमस पेपर लिथमस पेपर किससे मिलता है फिर से सवाल फिर से सवाल आपका बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसे ही लिथमस पेपर आपको लाइकन से मिलता है लिथमस पेपर आपको लाइकन से मिलता है लाइकन क्या है जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे लिथमस पेपर आपको लाइकन से मिलता है यस yes, मेरा बुक फर्स्ट को आ रहा है सोनू यस लाइक क्या होता है फटाफट से फटाफट से आंसर करिए जल्दी जल्दी से आंसर करिए लाइकन क्या होता है लाइकन का स्पेलिंग ठीक करो अरिंदम बस ई एक्स्ट्रा लिख दिया है आपने क्या होता है लाइक वॉट डू यू मीन बाई लाइक इन क्या होता है हम्म, hmm. इन क्या होता है जल्दी जल्दी आंसर करेंगे फटाफट से आंसर करेंगे प्लांट होता है अरे क्या बात कर रहे हो एंजाइम होता है लाइक कुछ भी लिख रहे हो भाई कुछ भी लिख रहे हो ट्री होता है लाइक अरे हम्म hmm. सहजीवन होता है भाई म्यूचुअली म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप होता है एल्गी और फंगस के बीच में एल्गी और फंगस एल्गी प्लस फंगस दोनों के बीच का एक संबंध होता है एलगी को हम हिंदी में शैवाल कहते हैं फंगस को हम हिंदी में कवक कहते हैं ठीक है कुछ कवक क्या करते हैं कुछ कवक शैवाल के साथ रहते हैं सहजीवन में एक ऐसा रिश्ता जहां पे दोनों को एक दूसरे से फायदा हो वो कहलाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सहजीवन ठीक है और लाइकन इसका एग्जाम्पल है कौन दो रहते हैं फंगस और एल्गी फंगस और कवक एल्गी प्लांट होता है ठीक है एल्गी एक तरीके का प्लांट है जाहिर सी बात है कि अगर ये प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कर लेगा जो फोटोसिंथेसिस ये कर लेगा फंगस हेटरोट्रॉफ है फंगस अपना खाना नहीं बना सकता फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता तो इसीलिए फंगस को ये खाना दे देगा है ना फंगस Fung को खाना एल्गी से मिल जाएगा और एल्गी इसको रहने के लिए चखा भी दे देगा ठीक है ये भी सवाल आता है बीपीएससी में तीन चार बार आया हुआ है बहुत सारे स्टेट पीसीएस में आया हुआ है कि लाइकिन किन दोनों के बीच सहजीवन है तो एलगी एंड फंगस के बीच का सहजीवन है लाइकिन लाइकन से ही लिथमस पेपर बनता है लाइकन से ही लिथमस पेपर बनता है ठीक है और लाइकन ही आपका सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन बताते हैं अगर आपके वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बन जाए तो वो एक पोल्यूटेंट होता है वो एक प्रदूषक होता है ठीक है तो इसीलिए सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को भी बताता है सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन भी दिखाता है लाइकन बहुत सारे सवाल कर रहे हैं हम लोग बहुत बहुत सारे क्वेश्चन देखो अब लिथमस पे बात करते हैं ठीक है लिथमस के, के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो आप एक ट्रिक क्या याद रखोगे आप एक ट्रिक याद रखोगे बार ठीक है ट्रिक क्या याद रखोगे बार वो ट्रिक क्या है कि ब्लू को रेड ब्लू लिथमस को रेड कौन करता है ब्लू लिथमस को रेड कौन करता है तो वो करता है एसिड एसिड यानी कि अम्ल वो है जो ब्लू लिथमस को रेड कर दे ब्लू लिथमस को रेड करता है एसिड और उल्टा यानी कि रेड लिथमस को ब्लू कौन करता है रेड लिथमस को ब्लू करता है बेस यानी कि क्षार ये भी पी में आया हुआ सवाल है ये क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन भी पी में आया हुआ है ठीक है तो ब्लू लिथमस को रेड करने का काम एसिड का होता है कंफ्यूज नहीं हो तो ट्रिक याद रखोगे बार ठीक है बार याद रखोगे ये एसिड हो गया तो उल्टा इसका बेस है ठीक चलिए ये आपका ट्रिक हो गया अब आइए टर्मरिक हल्दी क्या आपको पता है हल्दी भी जो है हल्दी भी इंडिकेटर का काम करती है अगर एसिड एसिड पड़ेगा ना तो हल्दी का कोई कलर चेंज नहीं होगा अगर एसिड पड़ेगा तो हल्दी का कोई रंग नहीं बदलेगा लेकिन अगर कोई बेस होगा कोई क्षार होगा तो वो लाल रंग का हो जाएगा ठीक है बेस होगा यानी कि क्षार होगा तो वो क्या होगा वो लाल रंग का हो जाएगा ठीक इसके अलावा इसके अलावा आपका चाइना रोज जो गुड़हल का फूल है वो भी नेचुरल इंडिकेटर होता है एसिड और बेस का वो भी प्राकृतिक इंडिकेटर है सूचक है कि कोई एसिड है कोई चीज या कोई चीज बेस है क्लियर है क्लियर है यस डन है तो टर्मरिक है चाइना रोज टर्मरिक यानी कि हल्दी चाइना रोज गुड़हल का फूल ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स माने जाते हैं इसके अलावा इसके अलावा ये फिनॉक्थलीन और मिथाइल रेड फिनॉक्न और मिथाइल रेड भी जो हैं ये भी इंडिकेटर्स माने जाते हैं ठीक है लेकिन आपको मेन जो सवाल आता है वो लिथमस पे क्वेश्चन आता है ठीक है मेन क्वेश्चन आपको जो आया हुआ है वो लिथमस पे आया हुआ है ये सारा पीडीएफ आपको आर के सी ईडी हब ऐप पर मिल जाएगा चलिए नेक्स्ट आइए एक्वा रीजिया क्या होता है इसी को हम रॉयल वॉटर कहते हैं एक्वा रीजिया को ही रॉयल वॉटर शाही पानी कहा जाता है रॉयल वॉटर क्यों कहते हैं इसको रॉयल वॉटर अमल राज एक्वा रीजिया, रॉयल वॉटर काम आता है ये इस्तेमाल आता है क्या साफ करने में जेवर वगैरह साफ करने में इस्तेमाल आता है जो सोने के जेवर हैं थोड़ी सी भी अगर आपने देर कर दी तो ये गोल्ड प्लैटिनम उनको पूरी तरह डिजोल्व कर सकता है ठीक है गोल्ड हो प्लैटिनम हो उनको पूरी तरह क्या कर सकता है डिजोल्व कर सकता है कौन से दो एसिड होते हैं इसमें थ्री इंस टू वन का रेशियो होता है कौन से दो एसिड होते हैं एच और HNO3 एचल को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड ठीक है शाही पानी रॉयल तो एंड ये है नाइट्रिक एसिड दिस इज योर नाइट्रिक एसिड और ये कौन सा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ठीक है रेशियो ध्यान रखेंगे आप रेशियो ध्यान रखेंगे एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट और एक्वा रीजिया जो है एक्वा रीजिया क्यों इस्तेमाल होता है तो ये सोनार इस्तेमाल करते हैं सोने वगैरह की सफाई करने के लिए बट आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है थोड़ी देर भी अगर आप रहेंगे रखेंगे एक्स्ट्रा तो वो चीज घुल सकती है रॉयल वाटर पता है क्यों कहते हैं क्योंकि जो भी रॉयल चीजें होती हैं ना जैसे प्लैटिनम है सोना है इन सब चीजों को महंगा ये सारी चीजें महंगी आती हैं तो वहीं से नाम पड़ा रॉयल वॉटर अमल राज यानी एक्वा रिजिया ठीक है क्लियर है ये सारे सब जो मैं आपको करा रही हूं ये एक चैप्टर के रिलेटेड सारे पॉइंट्स हैं सारे के सारे चैप्टर्स रिलेटेड पॉइंट्स हैं बहुत बहुत बार पूछा जाता है इनसे सवाल आपका ठीक चलिए आ जाइए सवाल देखिए और आंसर करेंगे एंटासिड छत्तीस छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2016 ठीक है छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2016 ये सवाल है आपके लिए ये सवाल है आपके लिए चलिए हम्म आ जाइए फटाफट से आंसर करेंगे यहां पे। एंटासिड क्या होते हैं बेस होते हैं एसिड होते हैं सॉल्ट होते हैं बफर होते हैं या इनमें से कोई भी नहीं चलेंगे जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं अगर आपको मैंने टॉपिक पढ़ा दिया तो उससे मिलते जुलते सवाल भी मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी और आपको हंसी आएगी कि ऐसे सवाल आ रहे हैं ठीक है यस yes, एंटासिड क्या है बेस है बिल्कुल सही एंटासिड क्या होते हैं एंटासिड जो होता है वो बेस होता है ठीक है देखो एंट एंटा जब भी एंट ant, एंटी ये सब शब्द लगा दे मतलब कि वो क्या करेगा एसिड को एसिड को क्या करेगा काउंटर करेगा है ना एसिड को काउंटर करेगा तो एंटासिड क्या होता है बेस होता है आपके स्टमक में आपने अक्सर महसूस किया होगा सुना होगा कि मुझे एसिडिटी हो गई है यानी पेट में जो एसिड है वो ज्यादा बन रहा है एसिडिटी हो गई है तो उस समय एंटासिड्स लिए जाते हैं उस समय एंटासिड्स लिए जाते हैं और खास तौर पे कौन सा एंटासिड लिया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है जिसको किस नाम से जाना जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो जो एंटासिड है जो एंटासिड है ये एक एंटासिड का काम करता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ठीक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ठीक है इसके अलावा कुछ जो दवाई आती हैं जो आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलवाती हैं कब से आपको आराम दिलवाती हैं उनमें भी ये मौजूद होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ठीक है ओके तो कुछ जो आपको क्या देती हैं आपको इतमान देती है कॉन्स्टिपेशन से यानी कि कब कब्ज से तो उसमें भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहते हैं यह भी होता है यह क्या है ये एक तरीके का बेस है जाहिर सी बात है बेस होगा वही तो एसिड को कम करेगा ठीक ओके इसके अलावा और कौन कौन से बेसिस होते हैं जो डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से बेसिस हैं जो डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों साबुन बनाने के काम आते हैं है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों साबुन बनाने के काम आते हैं है ना? है ना कि नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहा जाता है, है कि नहीं है ना सो so, ये सब बेसिस हैं जो डे टू डे लाइफ में आपको पूछे जा सकते हैं जरूरी हो सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटासिड का काम करता है ठीक है साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सोप साबुन में इस्तेमाल होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर कहते हैं ठीक ओके okay? इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं ठीक है चलिए कोई क्या कोई एसिड है अभी आपने देखा कि एक बेस है जो एक दवाई बनाने में काम आ रहा है है ना एक बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो एक दवाई बनाने में काम आ रहा है क्या कोई एसिड है जो दवाई बनाने में काम आएगा क्या कोई एसिड है जो दवाई बनाने में काम आएगा यस एक एसिड है उस एसिड का नाम है सैली साइक्लिक एसिड एक एसिड है जिसका नाम है सैली साइक्लिक एसिड और यही एसिड काम आता है आपको एस्पिरिन जो डिस्प्रिन खाते हो ना सर दर्द के लिए सर दर्द के लिए जो डिस्प्रिन खाते हो उसी डिस्प्रिन बनाने में काम आता है ये सैलिसैलिक एसिड ठीक इस तरह से हम पढ़ेंगे कि एक के बाद एक सवाल हम किस तरह से हल कर सकते हैं आपको अपना दिमाग अब अप इस तरह से फटाफट दौड़ाकर रखना होगा देखो आप सबको बहुत सारी चीजें आती हैं अब जरूरत है उन चीजों को एक जगह करने की है ना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का और बहुत तरह तरह के सवाल इससे बनते हैं तो इसी तरह से हमारी रणनीति रहेगी हम एक क्वेश्चन को पकड़ेंगे और फिर उस एक क्वेश्चन से हम पूरा चैप्टर और उससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं सबको खत्म करेंगे ठीक है पूरे साइंस को हम इसी तरीके से कवर करते चलेंगे ये मैंने सोच के रखा है चलिए तो सेलीसाइक्लिक एसिड नाम का एक एसिड है जो एस्प्रिन सर दर्द के लिए जो आप दवा खाते हो डिस्प्रिन है ना जो दर्द नाशक होता है वो बनाने में काम आती है सेलीसाइक्लिक एसिड ठीक है तो एक एसिड हो गया जो दवाई का काम कर रहा है एक बेस हो गया जो भी दवाई का काम कर रहा है, है ना तो दोनों दोनों क्या है दोनों जो है ये किसका काम कर रहे हैं दवाइयों का काम कर रहे हैं ठीक है क्लियर है आगे चले हम लोग आगे चले चलिए भाई आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो सवाल आपको पढ़ा चुकी हूं कि जो सोचते हैं कि हम सिर्फ एस देंगे और पीसीएस एग्जाम्स नहीं देंगे ये देख लीजिए ठीक है तो इसी तरह के सवाल आते हैं जल्दी से आंसर करिए फटाफट से आंसर करिए चलो जल्दी जल्दी आंसर करो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी करेंगे बहुत बहुत जल्दी आंसर करेंगे गोल्ड स्मिथ क्या होगा बफर hmm. वो होता है जो क्या करता है चीजों को देखो बफर करने का मतलब एसिड है तो उसको बफर करेगा यानी कि उसकी एसिडिटी कम करेगा बेस है तो उसका बेस होना कम करेगा ठीक है तो बफर करने का मतलब चीजों को न्यूट्रलाइज करना क्या होगा आंसर यस नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना बी आंसर होगा सीधा आंसर इस क्वेश्चन का बी होगा यूपी पीसीएस मेंस 2014 मेन्स दो हजार चौदह चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ छत्तीसगढ़ प्री 2000 हजार पीसीएस प्री दो हजार चौदह रेड लिथमस ब्लू हो रहा है तो सोल्यूशन का पीएच क्या होगा अगर रेड लिथमस ब्लू हो रहा है तो सोल्यूशन का पीएच क्या होगा बहुत बढ़िया संध्या एस्प्रिन जो होता है वो दर्दनाशक तो होता है और साथ में खून भी पतला करता है बहुत बढ़िया संध्या गुड चलिए इसका आंसर बताएंगे बहुत बहुत जल्दी से क्या आंसर होगा इसका ब्लू लिथमस को सॉरी रेड लिथमस को ब्लू कर रहा है क्या पीएच होगा क्या पीएच होगा सोल्यूशन का कितना आसान इजी था सवाल है कितना आसान इजी सा सवाल है हम्म क्या आपको मैंने ट्रिक बताया क्या आपको मैंने ट्रिक बताया है पहले ये बताइए आपको मैंने ट्रिक बताया था बार ब्लू लिथमस को रेड करता है एसिड है ना यहां पे उल्टा पूछा हुआ है ठीक है यहां पे आपको क्या पूछा हुआ है यहाँ पे उल्टा पूछा हुआ है ब्लू को रेड करता है एसिड ठीक है तो रेड को ब्लू कौन करेगा रेड को ब्लू करेगा बेस रेड को ब्लू कौन करेगा भाई रेड को ब्लू करेगा आपका बेस और बेस कौन होता है बेस वो होता है जिसका पीएच जिसका पीएच सात से ज्यादा हो जिसका पीएच सात से ज्यादा हो तो क्या लिखेंगे नन ऑफ दी अब क्या लिखेंगे नन ऑफ दी अब कितने लोगों ने इसका गलत आंसर दिया मुझे देख के इतनी हैरानी हो रही है इतनी ज्यादा हैरानी हो रही है देख के क्यों भाई इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ब्लू लिथमस को रेड करता है एसिड क्वेश्चन पूछ रहा है रेड को ब्लू करेगा तो यानी बेस होगा बेस कौन होता है बेस वो होता है छार वो होता है जिसका पीएच सात से ज्यादा हो तो नन ऑफ क्या शक है इसमें क्या शक है भाई ठीक है कोई शक ही नहीं है इस बात में छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 इस तरह के सवाल आते हैं आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ प्री 2018 फिर से मिलता जुलता क्वेश्चन कि कोई एसिडिक सोल्यूशन है तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए कोई अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए हम्म चलो भाई फटाफट से आंसर करेंगे बहुत बहुत जल्दी से अगर कोई विलियन है तो उसका संभावित पीएच मान कितना होना चाहिए चलेंगे फटाफट से आंसर करेंगे प्री 2018 का क्वेश्चन है ये हम्म क्या होगा सात आठ छे सात आठ या नौ सात से कम वाला एसिड होता है ना तो सात से कम क्या है भाई छह है देख लो हाल फिलहाल का क्वेश्चन है ये भी नहीं कह सकते कि बहुत पुराना क्वेश्चन है हाल फिलहाल का क्वेश्चन ठीक है बिल्कुल हाल फिलहाल का ऐसा सवाल है जो आपके सामने है ठीक आगे चले हम लोग आगे चले आ जाओ हम्म चलिए फिर से बीपीएससी प्री का सवाल है ग्रेप्स बनाना और टैमरिंड में कौन सा एसिड अधिक मात्रा में पाया जाता है ठीक है चलो भाई आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट से सब लोग आंसर करेंगे जल्दी 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 फटाफट से फटाफट से आंसर करेंगे क्या होगा इसका आंसर ग्रेप्स बनाना टैमरिंड, यानी कि इमली में ग्रेप्स में और केले में क्या होगा टार्टरिक अम्ल होगा टार्टरिक एसिड होगा ठीक फिर से आसान सा सवाल फिर से सबने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया अगले सवाल पे आ जाइए कि एसिड ड्रेन में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है हाँ एसिड रेन में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है इसका जवाब देंगे एसिड रेन में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है चलो आप इसका जवाब दो तक थोड़ा सा मैं पानी पी लू <coughs> हम्म क्या होगा फटाफट से जवाब देंगे दी. अरे एसिड रेन अमल्य वर्षा दो तरीके का एसिड बनता है इसमें H2SO4 और HNO3 ठीक है देखो एसिड रेन जो होता है मैं आप लोगों को बहुत बार पढ़ा चुकी हूं दोबारा से सुन लीजिए दो गैस होते हैं इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ठीक है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एनओ टू एनओ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड दो तीन तरह के गैसेस होते हैं जब ये पानी से मिक्स होते हैं तो दो दो एसिड्स बनते हैं एच टू एसओ फोर एंड एच एन ओ थ्री एच टू फोर एंड एच एन ओ थ्री ठीक है आपसे एक पूछा है मैक्सिमम अमाउंट अधिकतर में कौन सा होता है ज्यादा आपसे पूछा है कि ज्यादा कौन सा होता है तो ज्यादा ध्यान रखेंगे फिर एच एन ओ थ्री होता है ठीक है ठीके? ज्यादा मात्रा आपकी एच टू फोर की होती है सल्फ्यूरिक अम्ल की होती है ठीक है फिर से आपका बीपीएससी फिलिम्स दो हजार सोलह का पूछा हुआ सवाल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसिड रेन बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे दो गैसेस और दो एसिड्स बनते हैं यहां पे ताजमहल का रंग जो फीका पड़ा है इसी के वजह से फीका पड़ा है ठीक चलिए क्या होगा मैक्सिमम अमाउंट पूछा है ना आंसर e क्यों नहीं होगा क्योंकि एक ही आंसर है संध्या आपसे पूछा है मैक्सिमम अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट में तो कोई एक ही चीज हो सकती है ना मैक्सिमम अमाउंट आपसे पूछा है इसीलिए ई e आंसर नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट में सिर्फ एक ही चीज हो सकती है दोनों चीजें नहीं हो सकती ठीक ओके इसलिए जिनको ई में डाउट था उनका वो डाउट समझ जाए आ जाइए अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में अब आपकी बात अप्लाई होगी ठीक है इस वाले सवाल में आपकी बात अब अप्लाई होगी शंकर दीक्षित प्लीज आप थोड़ा सा स्पैम करना बंद करें क्योंकि सिर्फ आप सिर्फ आप ही का कमेंट आ रहा है मुझे बाकी स्टूडेंट्स के कमेंट्स ही नहीं नजर आ रहे हैं प्लीज स्पैम करना बंद करें शंकर दीक्षित जी हम्म क्योंकि मैं बाकी स्टूडेंट्स का कमेंट ही नहीं देख पा रही हूं चलिए भाई जवाब देंगे क्या आंसर होगा इसका हां जी इसका जवाब होगा सिक्सटी सिक्स बीपीएससी प्री दो का पूछा हुआ है ठीक है इसका जवाब होगा बोथ बी सी क्योंकि इसमें मैक्सिमम नहीं पूछा इसमें आपको सिर्फ कॉम्पोनेंट पूछा है ठीक है सीओ टू कहां से कर दिया तुमने चिरंजीव सीओ टू कहां से कर दिया सीओ टू कब से हो गया एसिड रेन में मुख्य घटक में ठीक तो सिक्सटी सिक्स बीपीएससी प्री दो हजार बीस का पूछा हुआ ये वाला सवाल है आगे चले हम लोग हम्म इजी क्वेश्चन फिर से इजी क्वेश्चन सारिका कहा लिख रहे हो मोर देन वन ऑफ दी अबव कहां पे लिख रहे हो बोथ बी एन सी है ना बोथ बी सी हो जाएगा ना क्लियर आंसर तो बोथ बी एन सी हो गया चलो यहां पे बताओ इसके बारे बताओ हम्म चलो चलो जल्दी से बताओ साहिन गुड इवनिंग डियर गुड इवनिंग क्या होगा यहां पर क्या होगा यहां पे आपको सीधे एसिड का नाम लिख दिया है गुड तो यहां पे आप आंसर करेंगे नाइट्रिक एसिड छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2017। तो देख रहे हो कॉन्सेप्ट सेम है अलग अलग पीसीएस में सेम सवाल को ही घुमा फिरा के पूछते हैं तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में कुछ अपने जो कॉन्सेप्ट हैं, उनको क्या करिए सही करिए आ जाइए एक सेकेंड ये आखिरी क्वेश्चन है आज का ये आज का आखिरी क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करिए और फिर छुट्टी करेंगे एसिड बेसिस अभी खत्म नहीं हुआ है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है और उसको मैं पूरा कंप्लीट करूंगी ठीक है उसको मैं पूरा कंप्लीट करूंगी नेक्स्ट चैप्टर मैं, मैं एक बार आपके साथ पूरा साइंस का सिलेबस डिस्कस कर लूंगी जो पी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है और उसके बाद कल आपको मैं एक पूरा कंप्लीट चैप्टर भी कराने की कोशिश करूंगी यही एसिड बेसिस एंड सोल्ट क्षार अम्ल और लवण ये है चैप्टर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर वाइज हम लोग चलेंगे एक क्वेश्चन को पकड़ेंगे एक चैप्टर को पकड़ेंगे और सारे स्टेट के पीसीएस के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है इनमें से किसके पास ऑक्सीजन नहीं है बहुत आसान सा क्वेश्चन है एच सी एल एक सेकेंड आपको इन सब में इन सब का फॉर्मूला पता होना चाहिए नाइट्रिक एसिड एच एन ओ थ्री सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एसओ फोर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच सी एल है ना तो सीधा आंसर क्या होगा एच तो कभी भी पीसीएस आपसे मेडिकल लेवल या इंजीनियरिंग लेवल की नॉलेज नहीं ढूंढता हमेशा बेसिक चीजें पूछी जाएंगी इस चीज को ध्यान रखेंगे ठीक अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ कहां से मिलेगी प्ले स्टोर से जाके आप इस एप को डाउनलोड करेंगे आरके सी डी हब यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी जो मैं कल सुबह तक अपलोड कर दूंगी ठीक है कल सुबह तक पीडीएफ आपको आरके सी जो हब प्ले स्टोर से मिल जाएगी रोज आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहना है यहां पे सात बजे शाम में ठीक है एवरीडे आपको मेरे साथ यहाँ पे कनेक्टेड रहना है और हम लोग रोज और हम लोग रोज सारी चीजों को डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा साइंस डिस्कस करेंगे ठीक है यस टाइमिंग यही होगी गॉडलीनेस थैंक यू सो मच अंकित चलिए तो फिर से बताओ आई थिंक ये स्ट्रैटेजी हमारी ठीक है आपके एग्जाम्स को कवर कर लेगी जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सबको कवर कर लेगी आपके तरफ से कोई सजेशन है तो प्लीज मुझे बताइए आपके सजेशन इंपॉर्टेंट है आपकी तरफ से कोई सजेशन है ओके अनु डेमो किस चीज का होगा साइन पूरी फ्री फ्री क्लास चल रही है ना अभी किस चीज का डेमो होगा कोई सजेशन है आपके तरफ से तो आप मुझे बता सकते हैं हम्म नहीं टेलीग्राम पर नहीं मिलेगा चिरंजीव। पटना देखती हूं अमन पटना भी मेरा तीन तारीख के आसपास आने का प्लान बन रहा है तीन चार तारीख के आसपास शायद मैं चार दिसंबर को आपको पटना में मिलूंगी अभी तक का प्लान यही है आगे देखते हैं ठीक है चार दिसंबर को मैं पटना अशोक राजपथ में आपको मिलूंगी हम्म चलो जल्दी जल्दी से बताएंगे और आप कुछ मदद चाहते हैं कुछ और स्ट्रेटेजी में चेंज चाहते हैं कुछ सजेशंस हैं आपके तो प्लीज मुझे बताइए क्योंकि पूरा साइंस का मैंने कहा ना तीस बटा तीस 30, तीसो के तीसो क्वेश्चन सही करने हैं भाई तीसो के तीसो बेसिक क्लास नहीं है अंकित बेसिक क्लास नहीं है आपको पीसीएस लेवल पीसीएस लेवल की मैं तैयारी करा रही हूं बेसिक क्लास बिल्कुल भी नहीं है ठीक है <clears throat> बेसिक क्लास बिल्कुल भी नहीं है आप बेसिक से शुरू होकर पीसीएस तक की तैयारी कराऊंगी ये मैं कह रही हूं एनसीआरटी क्लास सेवन पी तो नहीं हो पाएगी प्रियंका क्योंकि हाँ चिरंजीव टाइम यही रहेगा प्रियंका सेवन ए एम कर दूंगी अभी मैं शायद ठीक है सेवन ए एम कर दूंगी उसको तो पीएम में ये वाली क्लास चलने दो थोड़ी सी और थोड़ा सा हो सकता है मुझे टाइमिंग अभी, अभी एडजस्ट करनी पड़ेगी मैं आप सबको बताती हूं चलिए कल तो नहीं होगी अंकिता एक दो तो दिन में मैं आपको एनसीआरटी का शेड्यूल भी दे दूंगी सुबह सात बजे एक्चुअली उठना आप देखते हो ना दीक्षांत में क्लास बजे खत्म होती है है ना देखते हो ना एनसीआर की क्लास है ग्यारह खत्म होती है उसके बाद मैं खाना खाती हूँ और खाना खाने के बाद फिर थोड़ा सा काम वाम करती हूँ और उसके बाद फिर मैं सोने जाती हूँ डेढ़ वेढ़ बज जाते हैं तो सात बजे ही मुझे अभी बहुत मुश्किल हो रहा है और आठ बजे से अभी तो ऑफलाइन क्लास भी चालू हो जाएगी आठ से साढ़े तो सात बजे का ही टाइम मोस्टली रखेंगे वो भी मुझे बहुत मुश्किल से खुद को उठाना पड़ेगा पर क्या कर सकते हैं चल एम यस रवि 99% मैं आपको 4 दिसंबर को अशोक राजपथ में मिलूंगी 99% परसेंट का बस डाउट है 99% मैं आपको 4 दिसंबर में वहां पर मिलूंगी हम्म चलिए ओके चलिए ठीक है फिर चलिए फिर हम लोग 10 बजे दीक्षांत पे मिलेंगे और अभी साढ़े आठ बजे जो केडी लाइफ पे मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास है चलो फिर ओके बाय-बाय कल भी जुड़ना रोज जुड़ना शाम में 7:00 बजे चलिए बाय बाय नहीं नहीं कुछ भी पेड नहीं है साहिन एनसीईआरटी की क्लास फ्री है अभी कुछ भी अभी मेरा अभी कोई पेड का अभी प्लान नहीं है अभी फिलहाल मेरी क्लासेस फ्री है चलिए ओके गुड नाइट बाय बाय चलो हाँ अजय बीपीएससी में सॉल्व करवा रही हूं डियर बीपीएससी सोल्व करवाई देखो अब ऑफ करते करते आप लोगों के कमेंट्स रहा है दिख रहे हैं अजय हाँ बीपीएससी का पूरा प्री सॉल्व करवा दूंगी और पूरा बीपीएससी तुम्हारा साइंस में प्रिपेयर करवा दूंगी ठीक है चलिए ओके बाय बाय